जय माता की। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कपूर से वशीकरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से कपूर से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने अट्रैक्शन पावर को बढ़ा सकते हैं। अपनी लाइफ में आपकी तरफ जो भी आपको देखेगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि अट्रैक्शन हर किसी को चाहिए। हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अट्रैक्शन बहुत ही विशेष चीज़ है जो होना ज़रूरी है। और तो दोस्तों कैसे करना है इस कपूर का प्रयोग वशीकरण के लिए, जो आपको एक शुद्ध और बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण करके देगा, वो जानेंगे इस वीडियो में। इसीलिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि कुछ भी छूटने ना सके। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस तरह की जानकारियां मैं हमेशा अपने चैनल पर लाती हूं जो आपके लिए बेहद लाभकारी होती है। छोटे छोटे उपाय जो ज़िंदगी बदल सकती है, करके तो देखिए। तो करना क्या है दोस्तों, आपको लेना है एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा और लेने हैं दो लौंग, जी हाँ दोस्तों, और एक मिट्टी का छोटा सा पात्र लेना है आपको। करना है शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के शाम को सूर्यास्त के बाद आपको ये करना है। सूर्यास्त के बाद आप सबसे पहले उस कपूर को अपने हाथों में लेंगे, लौंग को अपने हाथों में लेंगे। हाथों को मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ एक साथ जोड़ के आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, जिस किसी को अपना बनाना चाहते हैं उसके लिए, या फिर आप जिस किसी से प्रेम करते हैं और वो आपकी बात नहीं सुन पा रहा है और चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, तो उसके लिए कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो एक दूसरे को जानते हैं। जिस अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो ये उस पर काम नहीं करेगा। तो आपको करना यह है कि अपने हाथों में रखना है और विजुलाइज करना है कि वो इंसान आपके साथ उस तरह का बिहेव कर रहा है जो बिहेव आप चाहते हैं। और उसके बाद उस दोनों चीज़ों को लेकर आप मिट्टी के पात्र में डाल देंगे और माचिस दाहिने हाथ से जलाएंगे, दाहिने हाथ से जला लेंगे। किसी भी एकांत जगह पे इसे कर सकते हैं, कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, क्योंकि यह टोटका है, टोकने से इसके प्रभाव कम हो जाते हैं। और उसके बाद उसे जला देंगे। जब पूरी तरह से वो जल जाएगा तो जलने के बाद जो उसमें राख काली माँ जो भी बच जाएगा उसे आप ये रिंग फिंगर से लेकर अपने माथे पर तिलक लगाएंगे और यहाँ पे तिलक लगाएंगे। तिलक लगाते समय आप उस बात को ज़रूर दोहराएंगे, उस इंसान का नाम लेंगे जिस इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपका प्यार ही हो, आप अपने बॉस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, किसी को से भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो ये काम उसके लिए भी आप कर सकते हैं। और उसे आप ऐसे लगा कर ऐसे लगाएंगे। तो दोस्तों ये कब तक करना है आपको? ये करना है किसी भी शुक्रवार से शुरू करके आप 11 दिनों तक करेंगे। आप देखिएगा आपके चारों तरफ की चीज़ें बदलने लगी है। जिस इंसान के लिए आपने ये किया वो इंसान आपसे बात करना चाहता है और आपकी बात मानना चाहता है। बस ध्यान रखिएगा कि आप पॉजिटिव रहें, ये नहीं कि आपने ये क्रिया किया और उसके बाद आप निगेटिव बातें सोच रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा। आप पॉजिटिव वे में रहें, आप ये सोचें कि वो आपका काम 100% तो अब हो ही जाएगा। बस इतना करके आप देख लीजिए आपका वो काम बिल्कुल हो जाएगा। क्रिया करने से आपके शुक्र मजबूत होते हैं, मंगल मजबूत होते हैं और बुध भी मजबूत होते हैं, तो आपका जीवन में बहुत कुछ बेनिफिट देंगे। तो ये बहुत विशेष वशीकरण उपाय है, इसे जरूर करके देखिए और अपने जीवन को आसान बनाइए। तो दोस्तों आज की ये जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर